आज जो है हम बनाएंगे छोला और चावल। रोटी बनाएगा तो सेकेंगे, नहीं तो नहीं सेकेंगे। तो ये हमने रात में छोला भिगो दिया था। और ये छोले में जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने अभी चने की दाल डालेंगे, थोड़ा सा एकदम। चने की दाल डाल देने से क्या होता है कि सोडा वोडा डालने की जरूरत नहीं रहती है, बढ़िया जो है खूब अच्छा गल जाता है। फिर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े थोड़े मसाले सब, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाएंगे। और टमाटर डालेंगे, तो जब बनाएंगे तब तो आपको दिखाएंगे। अभी इसको बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चना जो है ना एकदम उबल उबल गया, ये चना एकदम गल गया, बिल्कुल गल गया है ये। तो ये जो चने की दाल डाल दो ना, चने की दाल दो चार दाने डालते हैं, तो ये चने की दाल भी गल गई हमारी और एकदम बढ़िया चना भी गल गया। अब क्या करेंगे, हमने तेल तेल हमारा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। जीरा डाल के और ये प्याज डाल दें। प्याज डालने के बाद नमक डाल देंगे। ये डाल देंगे तेज पत्ता, इससे थोड़ी सुगंध अच्छी हो जाएगी। गरम मसाला तो डालेंगे लेकिन ये तेज पत्ता डाल देते हैं। और थोड़ी सी डाल देंगे दालचीनी, इससे भी खुशबू अच्छी हो जाती है। ये हम ऐसे दालचीनी कूट के रख लेते हैं, तो ये काढ़े उड़े के काम भी आ गया है। और इसमें भी डाल देंगे, पहले डालेंगे हम टमाटर। तो हमने टमाटर काट लिया, देखिए हम दोहरे की कढ़ाई है। कल हमने पूरी बनाई थी तो वही कढ़ाई रखी थी, और इसमें हम आज छोला बना ले रहे हैं। और सांबा का जो चावल होता है ना, सांबा का वो जो है शुगर में नुकसान नहीं करता, तो आज छोला चावल बनाएंगे तो हम सांबा का चावल बनाएंगे। ये वाला जो चावल होता है पुलाव वाला, तो ये मतलब नुकसान कर जाता है, तो वही तो नवरात्र का रखा हुआ है थोड़ा बचाओ, तो उसी को आज बना लेंगे, छोले बना लेंगे बस। और ये अब डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ये हमारा है धनिया हल्दी मिर्चा, अब इसको खूब भून के अब बस चना डाल देंगे। थोड़ी देर पका के बस ये हमारा, इस चने को कहते हैं काबली चना, काबली चना कहिए या छोले वाला चना कहते हैं, तो हम लोग तो इसको काबली चना कहते थे, वही अभी भी मुंह से निकल जाता है काबली चना। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा देर ढाक देते हैं, तो ये जल्दी से भून जाएगा और बस फिर चना डालेंगे। ये हमारा मसाला भून गया, अब जो है हम इसमें छोला डाल देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और बस ये हमारा छोला जो है तैयार हो जाएगा।
तो बस इसी तरह आप लोग भी आसानी से छोला बनाइए, उसके संग पूरी बनाइए, पराठा बनाइए, रोटी बनाइए, जो भी है। हम तो खैर चावल बनाएंगे, चावल के संग छोला बढ़िया लगता है। तो ये हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं ये थोड़ा सा गरम मसाला, मिला दें और बस ढाक देते हैं। अब ये पकने देंगे 10-20 मिनट, खोल जाए अच्छा बन जाए, फिर बस गैस बंद कर देंगे और ये हमारा छोला तैयार। छोला बनके तैयार हो गया, क्या बढ़िया। बस इसे बगैर आप लोग भी बनाइए, सिंपल इजी काबली चने का छोला। थैंक यू।